हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है बी प्लांट रिपेयर रेमेडी कंडीशनर। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है बी ब्लंट रिपेयर रेमेडी की कंडीशनर फॉर डैमेज हेयर, और इसमें कैरेटिन और अर्गन ऑयल का यूज़ किया गया है, जो ड्राई फ्रीजी डैमेज हेयर पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। सॉफ्ट स्मूथ सिल्की शाइनी हेयर प्रोवाइड करता है। तो इसकी प्राइस है 450 रुपीज़ और क्वांटिटी है 200 ग्राम की। तो ये कंडीशनर थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट इसके इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कंडीशनर इसलिए मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे कोई भी शॉप से ले सकते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर से ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इसलिए अवेलेबल है, तो आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें, तो ये छोटी सी पैकेजिंग में आती है, प्लास्टिक बॉटल की पैकेजिंग है फ्लिप टॉप कैप के साथ, जो काफ़ी टाइटली लॉक हो जाती है। और लॉक होने के बाद प्रोडक्ट कहीं से भी लीक होने का कोई चांस नहीं होता है। तो पैकेजिंग वाइज ये काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड पैकेजिंग है। बाकी और कंडीशनर से इसकी पैकेजिंग काफ़ी डिफरेंट है। तो पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, स्टडी भी है, तो आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी इसे इजिली कैरी करके ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी। और अगर इसकी टेक्सचर की बात करें, तो ये वाइट कलर की जेल क्रीमी फॉर्म में है, और कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, एक नॉर्मल कंडीशनर जैसी ही इसकी भी कंसिस्टेंसी है, और फ्रेग्रेंस भी माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो आपको ये कंडीशनर को शैम्पू करने के 2-3 मिनट बाद वेट हेयर पे ही अप्लाई करना है, और फिर अप्लाई करके बालों को अच्छे से वाटर से वॉश आउट कर लेना है। कंडीशनर को आपको सिर्फ बालों को लेंथ पे ही अप्लाई करना है, स्कल्प पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कंडीशनर हेयर को डीपली नरिश करने में हेल्प करती है, ड्राई फ्रीजी हेयर को रिपेयर करके सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हेयर प्रोवाइड करती है, बालों को शाइनी सिल्की बना देती है, जिससे हेयर बहुत ही मैनेजेबल हो जाती है, बालों में इजली कॉम चल जाती है, जिससे हेयर फॉल होने का बहुत ही कम चांस होता है। और साथ ही साथ ये कंडीशनर बालों में वॉल्यूम भी लाती है। तो ये ड्राई डैमेज हेयर के लिए काफ़ी अच्छी कंडीशनर है मेरे हिसाब से, उनके हेयर पे ये अच्छे से वर्क करेगी, बालों की सारी ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, रफनेस को खत्म कर देगी, स्प्लिट एंड्स को भी ये काफ़ी हद तक रिमूव करने में हेल्प करती है। तो ओवरऑल ये कंडीशनर काफ़ी अच्छा है, आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसका एक यूज में ही इसका डिफरेंस मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।